आजकल काफी लाइट है फैट। साइकिल जो है ये 21 स्पीड साइकिल है और पीछे की तरफ शिमानो का गियर दिया हुआ है। शिमानो का कौन सा गियर दिया हुआ है ये क्लियरली इधर पे मेंशन नहीं है। और आगे की तरफ अगर देखें तो आगे आपको शिमानो की गियर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आपको देखने में लगेगा कि ये शिमानो है लेकिन ये शिमानो के गियर नहीं है ये। हे गाइस, दिस इज द गरीब साइक्लिस्ट। आज की इस वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक ऐसी साइकिल की। इस साइकिल को रिव्यू करने का मन मेरा काफी दिनों से था और आज वो साइकिल आ चुका है। तो ये वाला जो साइकिल है ये एक फैट बाइक है। ये फैट बाइक जो है ये मेक की तरफ से है। तो सबसे पहले आप इस साइकिल का कुछ सिनेमेटिक शॉट देख लीजिए, उसके बाद इस साइकिल की रिव्यू में हम आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस साइकिल की फ्रेम के बारे में। तो ये साइकिल का जो फ्रेम है वो बना हुआ है स्टील एलॉय से। तो ये साइकिल काफी लाइट है फैट बाइक के मुकाबले, ये काफी ज्यादा लाइट है। और साथ ही साथ फ्रेम का जो डिजाइन है वो काफी अच्छा है। आपको इधर पे मेक का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा और ये जो कलरिंग है ये कलरिंग भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। बात करते हैं इस साइकिल की गियर सिस्टम के बारे में। तो ये साइकिल जो है ये 21 स्पीड साइकिल है और पीछे की तरफ शिमानो का गियर दिया हुआ है। शिमानो का कौन सा गियर दिया हुआ है ये क्लियरली इधर पे मेंशन नहीं है। और आगे की तरफ अगर देखें तो आगे आपको शिमानो की गियर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आपको देखने में लगेगा कि ये शिमानो है लेकिन ये शिमानो के गियर नहीं है, ये है शाइगुन के गियर। तो शाइगुन वैसा भी ज़्यादा रेपुटेटेड ब्रांड नहीं है, वो सस्ते वाले साइकिल में चलता है। तो इसका जो फ्रंट डिरेलर है तो ये शाइगुन की तरफ से है। आपको आगे की तरफ हैंडल बार में थंब शिफ्टर देखने को मिल जाएगा। थंब शिफ्टर काफ़ी सारी साइकिलों में अभी कॉमन हो चुका है। ये जो साइकिल है इसका डुअल डिस्क ब्रेक है, तो इसका मतलब आपको आगे की और पीछे की तरफ दोनों ही तरफ आपको डुअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। तो इस साइकिल की सस्पेंशन की बात अगर हम करें तो हम इस साइकिल में थोड़ा सा एक्सेप्शनल चीज़ देखने को मिल जाता है। तो इधर पे लिया हुआ है पीछे का सस्पेंशन और इधर पे दिया हुआ है आगे का सस्पेंशन, इसका मतलब साइकिल में दो सस्पेंशन है। का जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप देख ही सकते हैं ये सस्पेंशन अच्छे से काम कर रहा है। तो एक फैट बाइक का जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है वो होता है इसका फैट टायर। इसका टायर का जो साइज़ है वो है 26x4 का टायर। तो इसके लिए ये साइकिल एक काफ़ी मस्कुलर लुक देता है। तो आप जब इस साइकिल में बैठोगे तो आपको कुछ अलग ही फील आएगा और ये साइकिल काफ़ी ज़्यादा पब्लिक अटेंशन ग्रैब करता है। तो हैंडल बार की बात अगर हम करें तो ये हैंडल बार जो स्टेम है ये एलॉय से बना हुआ है और इसका जो हैंडल बार है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है। तो आपको चलाने में ये साइकिल को कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हैंडल में भी आपको मेक का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं अब इसकी राइडिंग पोस्चर के बारे में। तो आप बता ही सकते हैं कि मुझे कैसा लग रहा है ये फैट बाइक में देख के। मुझे तो लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लग रहा है इस साइकिल को लेके। तो ये कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये जो साइकिल है ये 5 फीट से लेके 5'11" तक जो राइडर है, आप मान लो 6 फीट तक जो राइडर है वो इसे इजीली राइड कर सकता है। और इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको ज़्यादा कुछ हाथ में या कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा पेन नहीं होगा। तो ये काफ़ी एक कंफर्टेबल राइड आपको देता है। इसका कुशन जो है वो भी काफी ज्यादा सॉफ्ट मुझे लगा, इसका मतलब राइडर को तो एक एक्स्ट्रा कंफर्ट ही मिलने वाला है। काफी लोगों का ऐसा मानना है और ऐसा सोचना है कि फैट टायर है तो इसको चलाने में काफी ज्यादा मुश्किल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फैट टायर साइकिल ये काफी आपको ज्यादा कंफर्ट देता है और सबसे ज़्यादा जो बात होता है ये आपको काफ़ी ज़्यादा रोड पे कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि इसका जो टायर है ये फैट है।
तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साइकिल रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।